आप गूगल मैप पे सर्च करिए गुडविल एडू केयर लंका वाराणसी और आपको वहां आके अगर ऑफलाइन एडमिशन लेना है तो आप हमारे गीवे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए ठीक है ओके अब हमें स्टार्ट करते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी सबसे पहली चीज कि बच्चे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है देखो ज्वाइंट स्टॉक यहां पे स्टॉक का मतलब है शेयर जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं या पब्लिक कंपनीज इनके को यहां पे स्टॉक कहा गया है तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसा कंपनी जिसमें हम कई पर्सन कंपनी के शेयर परचेज करते हैं और हर पर्सन कंपनी का जो शेयर होल्डर्स होता है वो ओनर कहलाता है तो यहाँ पे हम जो कंपनी बिजनेस की बात करते हैं उसी को यहां पे कहा गया है joint stock company. ठीक है चलिए इस joint stock company के सबसे पहले हम फीचर्स डिस्कस करेंगे और मीनिंग डिस्कस करेंगे मेरिट्स और डिमेरिट्स देखिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आप देखो आपके माइंड में जब इन कंपनीज का नाम आता है टाटा आदित्य बिरला ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड महिंद्रा अमूल ये सब क्या है कंपनी है बड़े बड़े कंपनीज हैं ठीक है ओके कंपनी okay. क्या होता है कहा गया है द कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एक्टिविटीज ऑन लार्ज स्केल देखो बच्चे कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जो है यह जो बड़े स्केल पे बिजनेस करते हैं उनके लिए सुटेबल है जो बहुत छोटे स्केल पे बिजनेस करना चाहते हैं वो सोल प्रोपराइटर या मॉडरेट लेवल पे करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में एंटर करते हैं बट द पर्सन और द टाइप्स ऑफ बिजनेस विच इन्वॉल्व लार्ज स्केल बिजनेस तो वो पर्सन कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में एंटर करते हैं उनके लिए कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ज्यादा सही है इट हैज एडवांटेज ऑफ अट्रैक्टिंग ह्यूज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक बच्चे कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में क्या होता है कि हम पब्लिक से अधिक से अधिक कैपिटल क्या कर सकते हैं अरेंज कर सकते हैं एक्वायर कर सकते हैं With adequate capital, it न इम्प्लॉय ट्रेंड एंड managers to run the business activities efficiently. Adequate capital के माध्यम से हम business में trained और efficient person को hire कर सकते हैं कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एक ऐसा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है जो लार्ज स्केल बिजनेस के लिए सुटेबल है इस तरह के बिजनेस में हम पब्लिक से फंड एक्वायर कर सकते हैं और उस फंड से बिजनेस में ट्रेंड इंप्लॉय को हायर कर सकते हैं इफिशियंट को हायर कर सकते हैं जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में पॉसिबल नहीं था क्यों क्योंकि पैसे कम होते हैं बिजनेस में कैपिटल कम होता है कम कैपिटल में अच्छे पर्सन को हायर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है नेक्स्ट, अब आपके सामने बच्चे स्क्रीन पे है कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के डेफिनेशन की ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है डेफिनेशन देखते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज मिंट बाई ज एन ऑर्गेनाइजेशन एज एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन हु कॉन्ट्रीब्यूट मनी और मनी वर्थ जो मनी लगाया है या मनी के फॉर मदर चीज लगाए हैं टू कंपनी स्टॉक कंपनी के स्टॉक कंपनी के शेयर में कंपनी के शेयर में एंड इंप्लॉय इट फॉर सम कॉमन पर्पस और एक डेफिनेशन आपको है कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इनविजल इनविजल होता है एग्जिस्टिंग ओनली इन आई ऑफ लॉ सेम सबसे बेस्ट डेफिनेशन ये आपको दिया गया है कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस जिसका कंपनी का अपना खुद का लीगल एग्जिस्टेंस होता है कानून के नजरों में परपेचुअल सक्सेशन परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है मेंबर्स आएगा मेंबर जाएगा बट कंपनी लगातार चलते रहेगा कॉमन सील कंपनी का अपना एक स्टाम्प होता है मुहर होता है इसी को कॉमन सील कहते हैं ठीक है तो इस तरह से हमने कंपनी के डेफिनेशंस को पढ़ा अब आपके सामने स्क्रीन पे है फीचर्स ऑफ कंपनी की कंपनी का फीचर्स क्या होता है तो देखो बच्चे कंपनी का फीचर्स क्या है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस कि कंपनी का कंपनी के मेंबर्स से कंपनी कंपनी का company के मेंबर्स से अपना सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है आर्टिफिशियल पर्सन देखो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है तो कंपनी इज क्रिएटेड इन द आई ऑफ लॉ कानून के नजरों में कंपनी का अपना खुद का एग्जिस्टेंस होता है सेप, इसलिए कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है रजिस्ट्रेशन बच्चे कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो होता है कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कंपलसरी होता है बिना रजिस्ट्रेशन के आप कंपनी रन नहीं कर सकते हैं परपेचुअल सक्सेशन मेंबर्स आएंगे मेंबर्स जाएंगे बट कंपनी लगातार चलते रहेगा ऑन गोइंग

लिमिटेड लाइबिलिटी बच्चे कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं ऑन एन एवरेज उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर जितने का वो शेयर लिए है उसके फेस वैल्यू तक उनकी लिमिटेड तो इस तरह से हमने कंपनी के आठ फीचर्स बेसिक फीचर्स डिस्कस किए और अब इसके बारे में हम डिटेल में वन बाई वन डिस्कस करेंगे चलिए आप अगर एक साथ नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो ओके फीचर्स ऑफ कंपनी सबसे पहला आपके सामने है सेपरेट लीगल एंटिटी सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है बच्चे जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी कंपनी का अपना खुद का लीगल एंटिटी होता है कंपनी के मेंबर से जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है उनसे कंपनी का अपना खुद का लीगल एंटिटी होता है समझो अकाउंटिंग एंटिटी जो आप अकाउंट्स में पढ़े हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल में वो बिजनेस एंटिटी हर बिजनेस में फॉलो होता है चाहे वो सोल प्रोपराइटर हो चाहे पार्टनरशिप हो चाहे ज्वाइंट हिंदू फैमिली हो चाहे कंपनी हो मतलब कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हर बिजनेस में फॉलो होता है बट जो अकाउंटिंग एंटिटी होता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से लीगल एंटिटी वो लीगल एंटिटी किस बिजनेस में फॉलो होता है जिस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में कंपनी फॉर्म्स ऑफ़ बिजनेस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है तो कंपनी का कंपनी के मेंबर से अपना सेपरेट लीगल एंटिटी होता है कंपनी अपने खुद के नाम पे कोई भी एसेट्स परचेज कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है ये होता है कंपनी खुद के नाम पे एसेट्स परचेज और सेल कर सकता है आउटसाइडर्स के, के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में नहीं होता है ठीक है दूसरा बच्चे आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कि हम लोग क्या है नेचुरल पर्सन है और कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो कंपनी क्या है बाकी हम लोग जैसे नेचुरल पर्सन की तरह कंपनी सारा काम कर सकती है कंपनी खुद के नाम पे परचेज कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है मीटिंग कर सकती है बस सिग्नेचर नहीं करती है तो फिजिकल बॉडी लाइक की तरह इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है इट्स ऑपरेशन आर परफॉर्म बाई द इलेक्टेड मेंबर्स नोन एज डायरेक्टर्स जो कंपनी के ऑपरेशन होते हैं डे टू डे एक्टिविटीज होते हैं वो कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा मेंबर्स के द्वारा किए जाते हैं ऑल दो बिजनेस इज रन इन द नेम ऑफ कंपनी कंपनी के नाम पे बिजनेस चलता है मतलब कंपनी सब कुछ अपने नाम पे है बस मैनेज कंपनी के कुछ हैंड्स होते हैं डायरेक्टर के रूप में या अदर इंप्लॉय के रूप में जो मैनेज करते हैं रजिस्ट्रेशन लीगली कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है विदाउट रजिस्ट्रेशन यू कैन नॉट रन अ कंपनी बच्चे परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है किसी मेंबर्स के आने जाने से बिजनेस अफेक्ट नहीं होता है जनरली हम देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में जनरली हम देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में

ऑथेंटिसिटी के लिए बट कंपनी सिग्नेचर नहीं कर सकती है वाई बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन तो उस सिग्नेचर के जगह पे कंपनी का मुहर लगता है स्टाम्प लगता है उसी को बोलते हैं हम कॉमन सील देखो लिखा क्या है बींग एन आर्टिफिशियल पर्सन द कंपनी कैन नॉट साइन therefore there is need for common seal with the name of name engraved on it उसपे company ka naam hota hai the activities of the company are carried through a group of person anyone acting on behalf of the company can use common seal in the place of signature कोई भी person कंपनी के बिहार में उस signature का role play कर सकता है मतलब signature के जगह पे authenticity के लिए sign कर सकता है ट्रांसफ्रेबिलिटी ऑफ शेयर बच्चे company में कंपनी के शेयर आप इजिली ट्रांसफर कर सकते हो जैसे सोल प्रशिप ठीक है पार्टनरशिप में आप अपना शेयर किसी और को फ्रीली नहीं बेच पाओगे बट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में यू कैन सेल योर शेयर इजिली वेदर दट इज प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी बट देर आर सम्रिक्शन ऑन प्राइवेट कंपनी शेयर लिखा है द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज divided टू ए स्मॉल पार्ट दैट इज कॉल्ड शेयर हर कंपनी के कैपिटल को स्मॉल पार्ट से बांट दिया गया है उस पार्ट को हम शेयर कहते हैं द शेयर ऑफ द कंपनीज आर फ्री फ्रीली ट्रांसफरेबल its और शेयर होल्डर्स इज फ्री टू withdraw हिज मेंबरशिप फ्रॉम द कंपनी by selling his share. The shares of private limited companies cannot be easily transferred. Uh, private limited companies कंपनीज के share इजी ट्रांसफर नहीं होते बट पब्बिक कंपनी के share इजिली ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट है ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल बच्चे जनरली कंपनी में आ, ओनर और मैनेजमेंट दोनों सेपरेट होता है हर शेयर होल्डर्स कंपनी का ओनर होता है जितने भी शेयर शेयर होल्डर्स है, होल्डर्स हैं सारे कंपनी के ओनर हैं बट सारे शेयर होल्डर्स जो हैं वो मैनेजमेंट में नहीं जाता है कंपनी अपना मैनेजमेंट हायर करती है पैसे के दम पे कुछ शेयर होल्डर्स मैनेज करते हैं जिनके पास लार्ज स्टॉक होता है लार्ज स्टेक होता है लार्ज शेयर होता है ज्यादा शेयर होता है बट सभी शेयर होल्डर्स कंपनी को मैनेज नहीं करते हैं कंपनी अपना मैनेजमेंट हायर करती है अच्छे अच्छे एक्सपर्ट के लिए इसके लिए एक वर्ड भी यूज करते हैं ऑलिगार्चिक मैनेजमेंट देखिए

मेरिट्स ऑफ कंपनी देखिए मेरिट्स ऑफ अ कंपनी कंपनी के मेरिट्स क्या है लिमिटेड लाइबिलिटी एक बार पहले बता दू कि कंपनी में शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अपू द फेस वैल्यू ट्रांसफर ऑफ शेयर कंपनी में जनरली हम शेयर इजिली ट्रांसफर कर देते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस कि मेंबर्स के आने जाने से बिजनेस प्रभावित नहीं होता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इफिशियंट मैनेजमेंट एंड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल ठीक है चलिए हम इसके बारे में आपको बताते हैं डिटेल में लिमिटेड लाइबिलिटी बच्चे जो कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है इसमें लाइबिलिटी क्या होती है लिमिटेड होती है लिमिटेड लाइबिलिटी जनरली देखो कि जब कंपनी वाइंड अप होगा तो जो शेयर होल्डर्स से उनका जैसे वाइंड तो पहले क्या होगा कि फर्म का सारा एसेट्स बेचा जाएगा कंपनी का जिन लोगों से भी कंपनी के लिए लोन लिया गया उनका पैसा वापस किया जाएगा अगर कंपनी के एसेट्स को बेच के पैसा कम पड़ता है तो ओनर का पर्सनल एसेट्स बेचा नहीं जाएगा मीन शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर जो शेयर होल्डर्स जितना पैसा लगा रहा है जो शेयर होल्डर्स जितना लगाया है मैक्सिमम उतना ही डूब सकता है पर्सनल एसेट्स बेचा नहीं जाएगा ठीक है तो लिमिटेड द द द ऑफ ऑफ मेंबर्स कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर मतलब शेयर होल्डर्स की लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द द इन कंपनी दंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी अट्रैक्ट मेनी पीपल टू इन्वेस्ट देयर मनी लिमिटेड लाइबिलिटी क्या है? करता है कई पीपल को कंपनी में अट्रैक्ट करता है मनी इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्ट दियर मनी इन दंपनी फॉर्मस ऑफ बिजनेस एज इन केस ऑफ लॉस द इडिटर्स सॉरी द क्रेडिटर्स कैन नॉट है पर्सनल प्रोपर्टी ऑफ द में लॉस के केस में जो क्रेडिटर्स है वो कंपनी के पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकता है कंपनी में शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है अपटू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर ट्रांसफर ऑफ शेयर बच्चे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में जो शेयर होल्डर्स है वो इजिली शेयर ट्रांसफर कर सकता है शेयर ट्रांसफर करने में रिस्ट्रिक्शन नहीं है हाँ, बस जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, पब्लिक कंपनी के शेयर आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो, हो. चलिए देखते हैं द शेयर ऑफ द कंपनी कैन बी इजिली बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट इफ द ओनर ऑफ शेयर्स इज इन द नीड ऑफ कैश ही कैन सेल द द एंड गेट कैश अगर कोई ओनर जो शेयर खरीदा है वो अगर शेयर बेचना चाहे वो इजिली शेयर बेच सकता है द इजी ट्रांसफोरेबिलिटी ऑफ शेयर ब्रिंग्स लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इजी ट्रांसफॉबिलिटी क्या करता है इन्वेस्टमेंट का लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है At any time the The share investments can can be be converted into cash. The same amount can be used to buy the shares of other company same amount kya द hain hum usi paise se dusre company ka खरीद सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है मतलब matlab बच्चे कंपनी में हम hum freely share कर सकते हैं hain पेचुअल एग्जिस्टेंस जो कि मैंने पहले ही बताया कि जनरली बच्चे पार्टनरशिप वगैरह में क्या होता है कि किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो बिजनेस प्रभावित होता है बिजनेस बंद हो सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर का डेथ हो गया ओनर बीमार पड़ गया तो बिजनेस प्रभावित हो जाता है बट इन केस ऑफ कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एक फीचर है कंपनी का परपेचुअल एग्जिस्टेंस इसका मतलब यह होता है कि ऑन गोइंग कि, कि किसी मेंबर्स के आने या जाने से कोई नया मेंबर आ रहा है या जा रहा है चाहे उसका डेथ हो गया शेयर होल्डर्स का या बीमार पड़ गया बिजनेस प्रभावित नहीं होता क्यों क्योंकि कंपनी का अपना खुद का लीगल एग्जिस्टेंस होता है, है इसलिए प्रभावित नहीं होता है तो इसलिए कंपनी का फीचर है परपेचुअल एग्जिस्टेंस द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इंजॉय परपेचुअल सक्सेस एज इट हैज सेपरेट एग्जिस्टेंस एंड इट इज फॉर्म्ड बाई लॉ एंड कैन एंड बाय लॉ लीगल प्रोसीजर्स ऑफ वाइंडिंग अपनली द डेथ इन सोलवेंसी इनके मेंबर डू नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी किसी मेंबर्स के डेथ इनके से बिजनेस प्रभावित नहीं होता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इन कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस देर आर मोर स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन द कंपनी हैज लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड देर रेट ऑफ प्रॉफिट इज आल्सो हाई कंपनी में लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं प्रॉफिट का रेट भी काफ़ी हाई होता है इसलिए कंपनी में फंड ज़्यादा होता है आप इजिली कंपनी को एक्सपेंड कर सकते हैं एफिशिएंट मैनेजमेंट बच्चे जनरली क्या होता है कि कंपनी में मैनेजमेंट एफिशिएंट होता है कैसे सर कंपनी में कई पर्सन पैसे लगाते हैं कंपनी के पास फाइनेंस ज्यादा होता है जब कंपनी के पास फाइनेंस ज्यादा होता है तो कंपनी उन पैसे से बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स बड़े को मैनेजमेंट के लिए हायर करता है तो जो मैनेजमेंट जो है कंपनी का गोल इजीली अचीव करता है तो एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है कंपनी फॉर्म्स अ बिजनेस एज ह्यूज फंड एज

दे आर वेरियस सोर्सेस टू अरेंज द फाइनेंस फॉर अ कंपनी कंपनी में पैसे के लिए कई सारे सोर्सेस अवेलेबल है कि कंपनी पब्लिक को सेयर इश्यू करके लार्ज अमाउंट

कलेक्ट फंड बाय रेजिंग लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बाय इशूइंग डेवेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज ठीक है बच्चे तो ये आपका कंपनी का हो गया मेरिट्स अब हम डिस्कस करेंगे बच्चे डीमेरिट्स ऑफ अ कंपनी कंपनी के डिमेरिट्स को लिमिटेशंस बोलते हैं कि ऐसे कौन कौन से लिमिटेशंस कंपनी में हैं उन लिमिटेशंस को अब हम पढ़ते हैं चलिए आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है डिमेरिट्स ऑफ अ कंपनी कॉम्प्लेक्सिटीज इन फॉर्मेशन कंपनी के फॉर्मेशन में काफी कॉम्प्लेक्सिटीज होता है लैक ऑफ सिक्रेसी जनरली कंपनी में सिक्रेसी नहीं रह पाता है इम्प्रेशनल वर्क इंप्रूवमेंट इम्प्रेशनल वर्क इंप्रूवमेंट न्यूमरस रेगुलेशंस न्यूमरस रेगुलेशंस डिले इन डिसीजंस ऑलिगालचिक मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट ये आपका डिमेरिट्स है चलिए हम वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करते हैं आप नोट कर लीजिए और हां कुछ बच्चे कुछ बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन लेना है कैसे कांटेक्ट करूं तो मैं बता दूं बच्चे कि गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में लंका पे है लंका थाना के जस्ट बगल में आप गूगल मैप पे सर्च करो गुडविल एडुकेयर गुडविल एडुकेयर और हां गूगल मैप पे सर्च करोगे लोकेशन आ जाएगा वाराणसी में लंका थाना के जस्ट बगल में और यह हमारे गीवेन नंबर जो आपको नीचे चल रहा है इन गीवेन नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन के लिए ठीक है हमारे ऑफलाइन सेंटर में क्लासेस किस किस चीज की चलती हैं इलेवेंथ कॉमर्स ट्वेल्थ कॉमर्स सीयूटी टी बीकॉम सीयूटी एम कॉम बीकॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर कॉमर्स की पूरी पढ़ाई होती है तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं एडमिशन ले सकते हैं ज्यादा सीट बचा नहीं हुए दो चार सीट हर क्लासेस में बचे हुए हैं आप एडमिशन ले सकते हो ठीक है वो भी जल्दी फुल होने वाला है बट आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो जितना जल्दी पॉसिबल उतना तो जल्दी ले लीजिए ठीक है चलिए बच्चे डिमेरिट्स ऑफ अ कंपनी कंपनी का डिमेरिट्स क्या है कॉम्प्लेक्सिटीज इन फॉर्मेशन बच्चे कंपनी का फॉर्मेशन ऐसे नहीं है सोल प्रशिप और पार्टनरशिप की तरह इजी टू फॉर्म एंड ईजी टू डिजॉल्व नहीं नो no. कंपनी का फॉर्मेशन लीगल प्रोसीजर से होता है एंड वी हैव टू फॉलो ऑल द लीगल प्रोसीजर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी देखिए फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इन्वॉल्व द लेंधी एंड कॉम्प्लीकेटेड प्रोसीजर मैनी लीगल फॉर्मिलिटीज है एक्सपर्ट आर हायर्ड हु चार्ज हाई फी इवेन रजिस्ट्रेशन फी हैव टू बी पेड टू द रजिस्टार तो बच्चे कंपनी का फॉर्मेशन के लिए कई सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है उन डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट होती है फॉर्मेशन में और फॉर्मेशन के वक्त हमें कई सारे फी पे करना होता है इसलिए कंपनी का जो फॉर्मेशन है वो कॉम्प्लेक्स है इजी नहीं है लैक ऑफ सिक्रेसी एज पर कंपनी सिक्स कंपनी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी सच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू जनरल पब्लिक ऑल्सो सो इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन कंप्लीट अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी इसलिए कंपनी के कंपनी अपने जनरल इंफॉर्मेशन पब्लिक को भी देगा इसलिए कंपनी में कंप्लीट सिक्रेसी रख पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंपनी को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट भी पब्लिश करना होता है इंप्रेसनल वर्क Environment. Company is not managed by owner but it is managed by professional manager. These managers get salary for their services, so there is no direct relation between the efforts and reward. The increase in company's profit will not increase the income of the manager, hence, there is a lack of motivation and incentive to perform efficiently. बच्चे जनरली क्या होता है सोल और पार्टनरशिप में ओनर ही मैनेज करता है तो वो लगता है कि हम ज्यादा काम करेंगे तो हमें ज्यादा प्रॉफिट आएगा हम ज्यादा काम करेंगे तो हमें प्रॉफिट ज्यादा आएगा बट कंपनी में क्या होता है कि कंपनी को मैनेज करने के लिए कई सारे मैनेजमेंट को हायर किया जाता है कंपनी को मैनेज करने के लिए कई सारे पर्सन को हायर किया जाता है तो इसलिए इसलिए क्या है कि कंपनी में जो मैनेजर होते हैं उनको लगता है कि मुझे तो फिक्स सैलरी मिलना है कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो कम हो मुझे ज्यादा मिलना नहीं है इसलिए उनके वर्क करने का तरीका जो होता है ना स्टेगनेंट हो जाता है है ना? इसलिए इमर्सनल वर्क एक्सपीरियंस देर इज नो एक्स्ट्रा रिवार्ड इज गिवेन फॉर मोर वर्क ठीक है न्यूमरस रेगुलेशन सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन इज अ डिमेरिट्स फॉर अ कंपनी

इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑल द इंपोर्टेंट डिसीजन बाई द बोर्ड मीटिंग्स और आफ्टर कंसल्टिंग द वेरियस पर्सन कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में जो डिसीजन होते हैं वो बोर्ड के मीटिंग्स में एनुअल जनरल मीटिंग्स में डिसीजन लिए जाते हैं और कई सारे लोगों से कंसल्ट करने के बाद डिसीजन लिए जाते हैं दीज दीज है लेपल आर वर्किंग इन अंपनी एट डिफरेंट लेवल सो टेकिंग एंड इंप्लीमेंटिंग डिसीजन इज अंदी प्रोसेस और इस, इस तरह से डिसीजन लेना कंपनी के लिए एक लेंदी प्रोसेस होता है मैनेजमेंट पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि कंपनी में ऑलिगालचिक मैनेजमेंट होता है कंपनी में कहते ऑल दो वी से दैट दे इज अ डेमोक्रेटिक सेटअप इन द कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस बट

लेकिन कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स कंपनी को रन नहीं करते हैं कंपनी को रन कंपनी के फ्यू पीपल ही करते हैं इसलिए उसमें ओलिगार्चिक मैनेजमेंट होता है क्या होता है ओलिगार्चिक मैनेजमेंट कंफ्लिक्स इन इंटरेस्ट इन कंपनी वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल्स आर इन्वॉल्व सच एज शेयर होल्डर्स डिवेंचर होल्डर्स इंप्लॉइज डायरेक्टर each group has different interest for example the venture holders want their rate of interest to increase whereas shareholders want to reduce it so that left over income is more there is a possibility of conflicts between various groups, jaise conflicts in interest hota kya hai bacche ki कंपनी में कई ग्रुप पर्सन काम करते हैं सबका अपना इंटरेस्ट होता है कि शेयर होल्डर सोचते हैं कि ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट हो होल्डर्स ज्यादा इंटरेस्ट मिले अब कंपनी ज्यादा इंटरेस्ट देना नहीं चाहती है क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे तो प्रॉफिट पोर्शन कम हो जाएगा उनके लिए इसलिए दो ग्रुप में कंफ्लिक्स अराइज जाता है जो कि कंपनी के लिए क्या है एक कंपनी का डिमेरिट्स सेम अब हम बात करेंगे बच्चे टाइप्स ऑफ कंपनी की कंपनी कितने तरह के होते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी द बेसिस ऑफ ओनरशिप कंपनीज आर क्लासीफाइड इंटू फॉलोइंग कैटेगरीज ओनरशिप के बेसिस पे कंपनी तीन तरह से क्लासिफाई किए गए हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी और वन पर्सन कंपनी ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप कंपनीज आर क्लासिफाइड इंटू थ्री कैटेगरीज प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी एंड ओपीसी वन पर्सन कंपनी

हैज मिनिमम टू एंड मैक्सिमम टू हंड्रेड द प्रजेंट एंड पास्ट इंप्लॉय प्राइवेट कंपनी में मिनिमम टू मेंबर होते हैं मैक्सिमम टू हंड्रेड हैं प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी जनरली पब्लिक को शेयर्स के लिए इन्वाइट करने पर प्रोहिबिटेशन रहता है प्राइवेट कंपनी के लिए ठीक है आप इसको नोट कर लीजिए नेक्स्ट बच्चे पब्लिक कंपनी

शेयर कैपिटल इन केस ऑफ़ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज इट हैज़ नॉट बीन प्रिस्क्राइब अगर पब्लिक कंपनी प्रिस्क्राइब नहीं किया है या प्राइवेट कंपनी अपना पेड अप कैपिटल मिनिमम तो प्रमोटर डिसाइड कर सकता है टाइप्स ऑफ कंपनीज अब हम बात करते हैं बच्चे ओपीसी वन पर्सन कंपनी ओपीसी क्या है इसमें एक सिंगल पर्सन भी कंपनी रन कर सकता है जैसे एक सिंगल पर्सन कैसे सोल प्रोप्राइटर रन कर सकता है तो वहां पे एक बात परिट के रूप में है कि सोल प्रोप्राइटर में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है बट ओपीसी में लिमिटेड होता है क्योंकि कंपनी है ठीक है और ओपीसी जो है वन पर्सन कंपनी ये कंपनी जब टू के आने से आया है इसमें कोई भी इंडियन सिटीजन ओपीसी स्टार्ट कर सकता है और एक पर्सन एक ही ओपीसी स्टार्ट कर सकता है चलिए डिटेल में देखते हैं इसके बारे में लिखा गया है द 2013 एक्ट इंट्रोड्यूस न्यू टाइप ऑफ एंटिटी टू द एग्जिस्टिंग लिस्ट अपार्ट फ्रॉम फॉर्मिंग अ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी द 2013 एक्ट इनेबल्स द फॉरमेशन ऑफ अ न्यू इक्विटी वन पर्सन कंपनी ओपीसी ओपीसी मीन्स अ कंपनी विद ओनली वन पर्सन एज इट्स मेंबर ओपीसी में एक ही पर्सन मेंबर होता है ओपीसी प्रोवाइड्स दैट ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन of ऑफ इंडिया be टू to incorporate ओपीसी ओपीसी में क्या होता है कोई भी नेचुरल पर्सन जो इंडियन सिटीजन है ओपीसी स्टार्ट कर सकता है नो पर्सन सेल बी eligible टू incorporate more मोर देन वन ओपीसी एक पर्सन एक से अधिक ओपीसी स्टार्ट नहीं कर सकता है एक पर्सन एक ही ओपीसी स्टार्ट कर सकता है और ओपीसी टू कंपल्सरी कन्वर्ट इन टू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी लाख अगर ओपीसी का पेडअप कैपिटल फिफ्टी लाख से अधिक होता है या एवरेज एनुअल टर्न ओवर जो होता है बच्चे, दो करोड़ से अधिक होगा तो ओपीसी को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना जरूरी है नोट कर लो अब हमारा लास्ट टॉपिक है प्रिवलेजेज ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर

जेस दिए गए हैं एज कंपेयर टू पब्लिक कंपनी हम उन्हीं प्रिवलेजेस को देखेंगे डिटेल में पहला पॉइंट है प्राइवेट कंपनी ध्यान बच्चे अ प्राइवेट कंपनी कैन फॉर्म्ड विथ ओनली टू मेंबर वेयर एज एटलीट सेवन मेंबर्स आर रिक्वायर फॉर पब्लिक प्राइवेट कंपनी मिनिमम दो मेंबर से स्टार्ट हो सकता है बट पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम सेवन मेंबर चाहिए अब प्राइवेट कंपनी मस्ट है प्राइवेट कंपनी में मिनिमम टू डायरेक्टर चाहिए जबकि पब्लिक कंपनी मिनिमम थ्री डायरेक्टर चाहिए तो यहां भी प्रिविलेज दिया गया प्राइवेट को इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू मेंटेन नॉट कंपल्सरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू मेंटेन इंडेक्स ऑफ इट्स मेंबर मेंबर्स का इंडेक्स मेंटेन करना कंपल्सरी नहीं है बट पब्लिक कंपनी में मैंडेटरी है कंपल्सरी है प्राइवेट कंपनी कैन इशू लोन टू इट्स डायरेक्टर विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट इशू लोन टू डायरेक्टर विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन इश्यू कर सकती है बिना गवर्नमेंट के प्रायर परमिशन के लिए वेर एज पब्लिक कंपनी मस्ट टेक परमिशन टू द गवर्नमेंट बिफोर गिविंग द लोन टू इट डायरेक्टर जबकि पब्लिक कंपनी अगर अपने डायरेक्टर को लोन इश्यू करती है तो गवर्नमेंट से परमिशंस लेती है ठीक है तो ये चार रहे आपको इंडेक्स और चार और है देखिए क्या है कि इट इज

अपॉइंटमेंट नंबर बच्चे में रेस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी टू इशू प्रोस्पेक्टस वेयर एज इट इज एसेंशियल फॉर अ पब्लिक कंपनी देखो प्राइवेट कंपनी में प्रोस्पेक्टस इशू करना कंपलसरी नहीं है जबकि पब्लिक कंपनी में प्रोस्पेक्टस so इशू करना कंपल्सरी है Private company can come.

की क्लास में इतना ही फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी के लिए एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या होते हैं एमओए एओए प्रोस्पेक्टस इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और हाँ जो बच्चे हमारे अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं गुडविल एजुकेयर के तो आप गुडविल एजुकेयर का YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अगर आपको लगता है कंटेंट सही है कई सारे फ्रेंड्स को हेल्प हो सकता है तो कॉमर्स के कई सारे बच्चों को ये कंटेंट शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक उन बच्चों तक कंटेंट पहुंच सके और हम चैनल्स का भी ग्रोथ हो सके बच्चों का भी ग्रोथ हो सके थैंक यू बच्चे यदि किसी को ऑफलाइन में एडमिशन लेना है तो आप हमारे गिवेन नंबर पर कॉल कर सकते हो व्हाट्सअप कर सकते हो प्ले स्टोर से गुडविल करके ऐप डाउनलोड करिए जहाँ पर आपको नोट्स फ्री में अवेलेबल है एलेवंथ कॉमर्स ट्वेल्थ कॉमर्स सी यू टी बी कॉम सी यू टी एम कॉम बी कॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर के कॉमर्स के लिए नोट्स अवेलेबल है फ्री में इस क्यू को स्कैन करो या प्ले स्टोर पे गुडविल एडुकेयर लिखिए इस तरह के लोगों के साथ आपको ऐप का सिंबल आएगा उसको डाउनलोड कीजिए डाउनलोड करने के बाद इस नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कीजिए थैंक यू बच्चे टेक केयर